नाजरीन, कुक टू ईट में खुश आमदीद। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मैक्रोनीस। इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम, हमने ये एल्बो शेप मैक्रोनीस ले ली हैं और अभी हम इनको बॉईल करेंगे। हमने हाफ के जी बोनलेस चिकन को बॉईल करके श्रेड कर लिया है और ये हमारे पास 2 से 3 गाजरे हैं जिनको हमने कट के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। 2 शिमला मिर्च ली है हमने और उनको भी हमने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। और ये है आधी बंद गोभी जिसको हमने काट लिया है। तो ये पानी बॉईल हो चुका है, हमने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें ये अपनी 500 ग्राम मैक्रोनी डाल रहे हैं और इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब हम इसको बॉईल करेंगे जब तक ये गल। नाज़रीन, इसको 5 से 7 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। इसके साथ साथ जो है, ये देखिए अभी मैक्रोनी कच्ची है, हम इसे और बॉईल करेंगे। अभी इसके साथ साथ हम ये इसको तैयार करेंगे अपनी वेजिटेबल्स। हमने पैन में इसमें ऑयल डाल दिया है, ये 3 से 4 हाफ कप ऑयल है। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। हम ये देखिए नाज़रीन, प्याज जो है वो अच्छा से येलो हो चुका है। अब हम इसमें अपनी वेजिटेबल्स डालेंगे। ये हम गाजर ऐड कर रहे हैं, अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, अब हम इसमें बंद गोभी भी ऐड कर देंगे। अब इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इनको हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा मैंने फ्राई। ये देखिए हम इसे 2-3 मिनट हो गए हैं, हम इसे मज़ीद वफ़े वफ़े से हल थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमने नहीं बनाना, बस 1-2 मिनट हम इसको और फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने मैक्रोनीस तैयार हो गई हैं। हमने इनको पानी को स्टेन कर दिया है और इसमें पानी फ्लो करके और हमने 1 चम्मच ऑयल इनको लगा दिया ताकि ये आपस में स्टिक ना करें। अब हम इनको ऐड करेंगे। नाज़रीन, ये देखिए ये हमारी वेजिटेबल्स तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें जो चिकन बॉईल किया था वो ऐड कर रहे हैं। इसके साथ ही हम मसाले भी ऐड कर देंगे अपने। ये है 1 टेबलस्पून सॉल्ट जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून चाइनीज सॉल्ट। ये है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। ये हम इसमें ऐड करके इसको मज़ीद 2 मिनट मज़ीद हम इसको पकाएंगे। ये देखिए वेजिटेबल्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं और चिकन भी। इनका कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर है वेजिटेबल्स का। अब हम इसमें अपने मैक्रोनीस को ऐड करेंगे। हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक वेजिटेबल्स में फ्राई करेंगे क्योंकि मैक्रोनीज भी ऑलरेडी बॉइल्ड हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। नाज़रीन, अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सिरका, 1 टेबलस्पून
सोया सॉस, और अगर आप चिली सॉस डालना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, मैं सिर्फ हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। नाजरीन ये देखिए हमारी मैक्रोनीज रेडी हैं, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। नाजरीन मैक्रोनीज हमारी रेडी हो चुकी हैं, हमने इसे डिश आउट कर लिया है। आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं या जैसे आप चाहें। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।